नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा YouTube चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि शिक्षक व वर्ग तीन से संबंधित टॉपिक पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वर्ग दो में अतिथि शिक्षक थे या हैं, वर्ग तीन के एग्जाम में अतिथि शिक्षक के अनवा प्रमाण पत्र का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्ग दो में गेस्ट टीचर थे, वर्ग तीन की परीक्षा में 25% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। यदि आप अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। यदि आप कोई भी जानकारी अतिथि शिक्षक से संबंधित PDF के रूप में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाइए, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं पुनः अपने उसी टॉपिक पर। वर्ग दो में गेस्ट टीचर थे, वर्ग तीन में अतिथि शिक्षक है, वर्ग तीन परीक्षा में अतिथि शिक्षक का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा साधा एक ही आंसर है, जी हाँ मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है वर्ग एक और वर्ग दो जो भर्ती हुई है, तो वर्ग दो की भर्ती में वर्ग एक के अतिथि शिक्षक को आरक्षण मिला है, वर्ग तीन के अतिथि शिक्षक को आरक्षण मिला है, वर्ग एक में वर्ग दो के अतिथि शिक्षक को आरक्षण मिला है, वर्ग तीन के अतिथि शिक्षक को आरक्षण मिला है। जब वर्ग दो वर्ग एक में मिला है तो वही प्रक्रिया वर्ग तीन में रहेगी और इस कारण से वर्ग तीन में भी अतिथि शिक्षक आरक्षण सभी को मिलेगा, चाहे वो वर्ग दो में हो या किसी भी वर्ग में हो। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।